प्रो कबड्डी लीग 2018 के पूरे कार्यक्रम का ऐलान हो गया है। पीकेएल का छठा सीजन का आगाज 7 सेकंड होगा। इस सीजन का पहला मुकाबला अब तमिल थलाइवाज और गत विजेता पटना पायरेट्स के बीच खेला जाएगा। इस पूरे टूर्नामेंट में कुल 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 13 हफ्तों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 5 जनवरी 2019 को होगा। बता दें कि वाइल्ड कार्ड मुकाबले इस साल बंगाल वॉरियर्स के घरेलू मैचों के दौरान बंगाल में खेले जाएंगे। इसके अलावा 30 दिसंबर 2018 को कोची में एलिमिनेटर 1 और 2 खेला जाएगा। वहीं 31 दिसंबर 2018 को कोची में ही क्वालिफायर 1 और एलिमिनेटर 3 के मुकाबले खेले जाएंगे। 3 जनवरी 2019 को क्वालिफायर 2 होगा और 5 जनवरी 2019 को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। क्वालिफायर 2 और फाइनल मुकाबला मुंबई में खेले जाएंगे। प्रो कबड्डी लीग में इस बार हिमाचल के 10 खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे। रविवार से प्रो कबड्डी लीग के मुकाबले शुरू हो रहे हैं। सोलन जिले के नालागढ़ के दभोटा निवासी अजय ठाकुर तमिल थलाइवा टीम कप्तान हैं। इसके अलावा अलग अलग टीमों के लिए चुने गए प्रदेश के अन्य खिलाड़ियों में सोलन जिले से अजय ठाकुर के अलावा गुरविंद्र सिंह, शिवम, हेमंत, अभिनंदन और बलदेव, ऊना के सुरेंद्र सिंह और विशाल कुमार अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। मंडी जिले से महेंद्र सिंह और कांगड़ा जिले से रोहित राणा का भी प्रो कबड्डी लीग के लिए चयन हुआ है। ये खिलाड़ी 3 महीने तक दमखम दिखाएंगे। प्रो कबड्डी लीग का फाइनल मुंबई में 5 जनवरी को होगा। प्रदेश कबड्डी संघ के अध्यक्ष राजकुमार नीटू और राज्य कबड्डी एसोसिएशन के रेफरी बोर्ड के चेयरमैन डॉ गोपाल दास्ता ने कहा कि प्रदेश से बेहतरीन कबड्डी खिलाड़ी उभर कर सामने आ रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और प्रदेश का नाम चमका रहे हैं। यही क्रम रहा तो कबड्डी में हिमाचल का बोलबाला होगा। 10 खिलाड़ी प्रो कबड्डी लीग में हिमाचल से चुने गए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना।